आपको भी अगर इस तरह के काले लंबे घने बाल चाहिए, आप चाहते हो कि उनकी चमक कुछ इस तरह से बरकरार रहे और आप होममेड चीज़ों का ही यूज़ करके अपने सफ़ेद बालों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से जड़ से काला बना लो, अगर आप चाहते हो कि आपके झड़ते हुए बाल को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गंजे हो जाओगे और आप चाह रहे हो कि बहुत आसानी से मैं अपने सफ़ेद बालों को ख़त्म कर लूँ और अपने बालों को काला लंबा घना बनाऊँ वो भी नेचुरल तरीके से, तो मेरे चैनल पर इससे जुड़ी हुई बहुत सारी रेमेडी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टिकेटिव आइडिया। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको अपने काले लंबे और घने बाल दिखा रही हूँ। काले और लंबे घने बालों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेहनत करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि दिन रात बस हाथ धोकर बालों के पीछे ही पड़ जाओ, दिन में चार बार धो, चार बार कुछ लगाओ और बहुत कुछ ऐसा कुछ करो, उसकी खास ज़रूरत नहीं है। बस जो मेरे चैनल पर रेमेडी है आप उनको लगातार यूज़ करो, एक दिन में एक बार ही यूज़ कर लो उतना काफ़ी है, या फिर आप एक हफ्ते में एक रेमेडी को दो बार यूज़ करोगे तो भी उसका बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आज की रेमेडी बहुत ही आसानी से बनने वाली इंस्टेंट रेमेडी है जिसको आप बना कर स्टोर कर सकते हो, हफ्ता, 10 दिन 15 दिन, महीने भर ये ख़राब होने वाली नहीं है। और जब आप इसको लगातार यूज़ करोगे तो आपके बालों की सफ़ेदी बिल्कुल गायब हो जाएगी, आपके बाल काले होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, उनका हेयर फॉल जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये रेमेडी बनाते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो चलिए रेमेडी जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिया क्या है। घर की कुछ आसान सी चीज़ें ली हैं जिसके यूज़ से आप अपने बालों का हेयर फॉल भी बंद कर सकते हो और उनको नेचुरल तरीके से ब्लैक भी बना सकते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं घर में जिनको हम इग्नोर करते हैं और बस ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये देखिए मैंने लिया है ऑनियन पिल, ये हम सबके घर में होता ही, दिन में 2-3 बार ये इस तरह के प्याज को छीलते ही हैं हम और उसे फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को 100% ब्लैक करने में हेल्प करता है, आपके बालों को काला लंबा घना बनाने में हेल्प करता है, हेयर फॉल भी बंद करता है। ऑनियन जो होता है उसमें सल्फर होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करता है। यहाँ पर मैंने एक कॉफ़ी का सैसे लिया है और आधा चम्मच के करीब मैंने काले तिल लिए हैं। ये तीनों चीज़ें लेकर इसमें आधा गिलास के करीब या एक गिलास आप पानी डाल सकते हो। पानी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को पहले इसमें अच्छी तरीके से डिप कर देना है। अच्छी तरीके से डिप करोगे फिर इसको आपको गैस पर रखकर बॉईल कर लेना है। लोहे का बर्तन लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब भी मैं अपने हेयर से जुड़ी हुई कोई रेमेडी बनाऊँ तो मुझे उसमें आयरन का भी तत्व मिल जाए, तो इसी वजह से मैं लोहे का बर्तन, आयरन का बर्तन यूज़ करती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हो। गैस पर रखकर अच्छी तरीके से इसको बॉईल करना है, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बॉईल करना है, रिड्यूस नहीं करना है पानी को, बस बॉईल कर लेना है। मतलब जैसे हम दूध उबालते हैं या चाय उबालते हैं, 2-3 उबाल देते हैं, तो आपको यहाँ पर 2-3 के बजाय 6-7 उबाल दे देना है, बस इतना काफ़ी होगा। अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद आप देखोगे ये दोनों तीनों चीज़ें जो हमने यूज़ की है वो सारा का सारा गुडनेस जो है इस वाटर में आ जाएगा। बस इतना ही बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद आप देखोगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और सारी चीज़ों की जो गुडनेस थी वो इस वाटर में आ गई है। अब हम इसे नीचे उतार के छान लेंगे और छानने के लिए आप गर्मा गर्म भी छान सकते हो, ठंडा करके भी छान सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इसको ठंडा होने के बाद छानना है या गर्मा गर्म ही छानना है। तो कलर आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया, कुछ भी एडिशनल चीज़ें मैंने इसमें यूज़ नहीं की हैं। आप भी सेम इसी तरह से बनाओगे और लगातार इस रेमेडी को यूज़ करोगे तो आपका हेयर फॉल जो है विद इन 1 वीक के अंदर आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा कि आपका हेयर फॉल कम हो रहा है और आपके बालों पर ब्लैकनेस जो है वो आने लगी है। लेकिन रेमेडी को आप लगातार यूज़ करोगे तभी रिज़ल्ट मिलेगा, 1-2 दिन यूज़ करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा भी नहीं। अच्छी तरीके से आप देख सकते हो मैंने इसको छान लिया है और छानने के बाद मैं वेट करूँगी कि ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद ही मैं इसका आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करूँगी। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप ले लो, वैसे आप इसको कॉटन से भी लगा सकते हो, लेकिन स्प्रे बोतल से लगाना अपने हेयर में बहुत आसान होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सारी चीज़ों की, एक बार ज़रूर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का नेचुरल हमारा जो हेयर टोनर है वो बनकर तैयार हो चुका है। टोनर बोल सकते हो या आप इसको टोनिक बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसको बोतल में भर लिया है। 1-2 चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हो, वैसे ही अपनी तरह से ये पूरा एकदम संपूर्ण जिसको बोलेंगे ना बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, उस तरह का ये आपके बालों के लिए बैलेंस डाइट है। लेकिन फिर भी मैं इसमें एक विटामिन ए का कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो कोकोनट ऑयल डाल सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, कोई इसेंशियल ऑयल हो तो वो भी डाल सकते हो, जैसे
ट्रीडी एसेंशियल ऑयल हो गया या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हो गया, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, जो जिसके पास हो वो 3-4 ड्रॉप ज़रूर डाल लें। अगर लगातार यूज़ कर रहा है तो 8-10 बूंदे भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको शेक कर लेना है और उसके बाद अपने बालों पर स्प्रे करना है। एक दिन में कम से कम एक बार ज़रूर स्प्रे करो, और अगर आप एक दिन में 2-3 बार यूज़ करोगे तो इसका रिजल्ट आपको जल्दी दिखने लगेगा। इसको यूज़ करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि मुझे हेयर वॉश ही करना पड़ेगा, हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। अब देखिए, मैंने इसको यूज़ कर लिया था और उसके बाद मैंने 2-3 दिन के बाद अपना हेयर वॉश किया था, उसके बाद आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे भी सफ़ेद बाल हैं। अब यहाँ पर आप देखो, दिख रहा है कि आपको जब आप एक ही रेमेडी को लगातार यूज़ करोगे तो धीरे धीरे करके जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो कवर होते जाते हैं। रेमेडी को शुरुआत में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक ही रेमेडी को आपको लगातार यूज़ करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है एक ही हफ्ते में आपको उस रेमेडी को 2-3 बार यूज़ करना होता है, लेकिन जब धीरे धीरे करके आपके बालों पर वो रेमेडी लगती रहती है तो अपना कलर जो है वो वहीं पर छोड़ती रहती है। तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा होगा कि आपको एक रेमेडी सिर्फ एक महीने में एक बार यूज़ करोगे, 15 दिन में एक बार यूज़ करोगे, आगे जाकर ये प्रोसेस इतना कम होता रहेगा, मतलब कि 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, इस तरह से होता रहता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।